वेलकम बैक एवरीबॉडी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मशीन्स आर मेड इंटेलिजेंट, हाउ ए नॉर्मल मशीन कैन बी मेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट? सो इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू हाउ वी ह्यूमंस लर्न। व्हेन वी आर स्मॉल बेबीज वी आर गिवन एग्जाम्पल्स बाय शोइंग लाइक इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पपी एंड दिस इज एन एप्पल, एंड अ ह्यूमन माइंड स्टोर्स दोज इमेजेस as data, which is training data for us. And later we are able to process this information and distinguish between a puppy and an apple. See this video, for example. Hi baby, hi, hi, hi. What do you see? What's this? Puppy. Puppy, very good. Good. What's that, baby? Apple. So in the video which you just saw, the baby that you were seeing was not a human baby. In fact, it is an artificially intelligent program which is designed to mimic the behavior of a newly born baby such that it can be trained to recognize things like a puppy and an apple from an image that is shown to the camera. And that's how powerful AI is becoming today. It is almost replicating the human mind. So what exactly is artificial intelligence? Artificial intelligence is training of machines based upon a huge and massive data so that it is able to make its own decisions, predict the future, learn and improve itself. Based upon the pre-fielded data that you have given, it can now make decisions on topics that it has never come across before. And this is when we call a machine to be artificially intelligent. So yaar, isse pehle wale video mein humne dekha hai ki AI kis kis jobs ko impact karta hai. वो आपने वीडियो नहीं देखा है? अरे क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करो, नीचे बटन है उसको दबाओ, ठोको, जो करना है करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो वीडियो आएगा तो पता चलेगा आपको। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में देख लेना। अभी हम ये समझते हैं कि AI के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि AI किस लेवल पे आज आ गया है। अभी समझते हैं वॉट आर दी एप्लीकेशन ऑफ AI। सो अनोइंगली या नोइंगली हम आज के दिन पे काफी जगह AI का यूज करते हैं। वो क्या क्या है? जैसे कि गूगल सर्च। जब आप गूगल में सर्च करते हो किसी भी चीज का, तो गूगल आपको बहुत सारा सजेशन पहले ही दे देता है। इससे पहले कि आप कुछ कंप्लीट कर सको, गूगल आपको बहुत सारे सजेशन देता है कि क्या आप ये लिखने वाले हो, ये लिखने वाले हो, ये लिखने वाले हो। काफी कुछ सजेशन वो आपको पहले ही दे देता है। ऐसे ही अगर आप कुछ गलत लिखते हो तो वो बोलता है डिड यू मीन दिस, डिड यू मीन दैट, तो उससे वो ऑटो करेक्ट एंड सजेशन फीचर्स भी आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब AI का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद एग्जाम्पल टू, थिंग्स लाइक स्मार्ट चैटबॉट्स, एलेक्सा हुआ, सीरी हुआ, गूगल असिस्टेंट हुआ, ये सब हुआ। ये सब क्या है? स्मार्ट असिस्टेंट, इसमें क्या है? AI है। उसके बाद एग्जाम्पल आता है हमारे गूगल मैप्स का, जो हम कहीं पे जाते हैं डेली यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। अब डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक वो हमारा रूट सजेस्ट करता है, दिस इज द बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट एंड द फास्टेस्ट वे टू रीच योर डेस्टिनेशन। तो ये जो ट्रैफिक को डिसाइड करके या डिस्टेंस डिसाइड करके हमको जो रूट सजेस्ट करता है, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सजेस्ट करता है, इट इज बेसिकली AI। सो गूगल मैप्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ AI। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है AI इन गेम्स। गेम्स में AI का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो ग्राफिक्स वाले गेम्स हो, कंप्यूटर गेम्स हो, या फिर फिजिकल गेम्स जैसे कि चेस। अब चेस के ऑनलाइन गेम्स भी हो सकते हैं और रोबोट भी, जो रोबोटिक आर्म्स बनाए गए हैं ताकि वो चेस खेल सके, या फिर कंप्यूटर्स जो ऑनलाइन मैचेस कंडक्ट करते हैं, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर्स के भी पसीने छूट जाते हैं जब वो AI से कम्पीट करते हैं। एंड दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ AI इन टूडेज गेमिंग वर्ल्ड। कमिंग टू
something like the online shopping platforms, whether it is Amazon, Flipkart, or anything like this. These platforms are able to suggest you, based upon your search, what products you would like to buy. ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है AI का, जो आपसे डेटा कलेक्ट करता है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हैं इंटरनेट पे, आप क्या चेक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको वो सजेस्ट करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आएगा एंड आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे. तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको एक डीलर से लिंक करके जो प्रोडक्ट्स में आप लाइकली इंटरेस्टेड होंगे बेस्ड अपॉन योर डेटा, उसके पास आपको भेज रहा है ताकि आप वो प्रोडक्ट परचेज कर सके. एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ AI. ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनफैक्ट द वन विच गॉट बैंड रिसेंटली, टिकटॉक, दीज आर प्लेटफॉर्म्स विच कलेक्ट अ मैसिव अमाउंट ऑफ यूजर डेटा. द सर्चेज यू मेक, द लाइक्स यू डू, द शेयर्स यू मेक, द पोस्ट्स यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी डेटा इज रिकॉर्डेड. एंड थ्रू दिस दे एनालाइज वॉट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन विथ विच दे रिकमेंड यू सर्टेन पोस्ट्स, लाइक वेन यू स्क्रोल थ्रू रील्स, विच रील्स यू आर गेटिंग इज बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ योर ब्राउजिंग. एंड बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री योर एंटायर रील्स इज रिफ्रेश्ड ईच टाइम यू स्क्रोल एंड रिफ्रेश योर पेज. यू विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज. This algorithm is also making use of artificial intelligence. और फिर AI तो आजकल मेडिकल सेक्टर में भी काफी यूज होने लगा है, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस जो है वो आपका डेटा हेल्थ रिकॉर्ड को स्टोर करता है एंड उसके बेसिस पे आपको बता सकता है जैसे कि आपका स्लीप साइकिल अच्छा है नहीं है और क्या आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या आप ज्यादा सो रहे हैं कम सो रहे हैं, जो भी है वो आपको बताता है. आपका फिटनेस एक्टिविटी ट्रैक करके ये बताता है कि आपको और ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए या कम करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एक फिटनेस रूटीन तक डिजाइन करके बता सकता है. इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी काफी रोबोट्स आ गए हैं जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने के लिए यूज होते हैं, या फिर ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्रॉप में क्या न्यूट्रिशन की कमी है, उसको क्या जरूरत है, पेस्ट्स आ रहे हैं तो क्या एक्शन लेना चाहिए. काफी ऐसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स आ गए हैं. ऐसे ही जब हम रोबोट्स की बात करते हैं तो एक और उसमें सब फील्ड आ जाता है जो कि है ह्यूमनॉइड रोबोट्स का. ऐसे रोबोट्स जो ह्यूमन की तरह ना सिर्फ दिखते हैं बट बिहेव भी करते हैं और उनकी तरह काम भी करते हैं. तो ऐसे रोबोट्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है सोफिया, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट है जिसको सिटीजनशिप तक मिला हुआ है क्योंकि वो इतनी एडवांस्ड है. एक दिन आएगा जिसमें यही ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा खाली देख के कि हमारे जो सामने खड़ा है वो इंसान है या रोबोट. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. चाहते कि मैं पूरी दिल्ली में आग लगा दूं? नहीं नहीं सिफरा, वो ऐसी मजाक कर रही है. ओह, जोक. So now what makes it difficult is to analyze what is not AI. We have understood what is AI, but what is difficult is what is not AI. Is everything that is automated or able to function fully on its own is called AI? No. So there are a few things which are not AI. For example, if we consider a washing machine, इसमें हम कुछ कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ मोड पे सेट करते हैं, उसके बाद वो फुल फंक्शन जो है खुद से करता है, चाहे वो वॉशिंग हो, ड्राइंग हो, जो भी हो वो खुद से करता है. तो क्या ये AI है? अब ब्रांड तो उसे फुल्ली ऑटोमेटिक करके बेचेंगे बट इट डजंट मीन ये AI है, क्योंकि आपने उसको एक फिक्स प्रोग्राम पे सेट किया है, उसके बाद वो उसी प्रोग्राम पे वॉश साइकिल अपना कैरी आउट कर रहा है. तो इसमें कोई इंटेलिजेंस वाला चीज नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल, ACs, इफ यू सेट इट टू अ सर्टेन टेम्परेचर देन डिपेंडिंग ऑन द करेंट टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट आउटसाइड इट विल ट्राई टू रेगुलेट इट ऑन दैट टेम्परेचर, सो यू आर मैनुअली इन्वॉल्व बट it is not something which is very intelligent. Say you set it at 23 degrees Celsius. So if temperature is increasing, okay, outside temperature heat is more, then it will supply more cool air inside to bring it down to 23. But if outside the air is cooler, then
it will try to regulate it by switching it off or something like that at 23 degrees, bring it back to 23 degrees Celsius. So this is basically an example of how ACs regulate the temperature. Is it smart? We cannot call it smart, because this kind of example is more of a manual procedure and based on sensors. Then we have robots which follow a certain path. Like you put a black sticker or something on the black tape on the ground, and it will only follow the path of the black tape. Is it artificially intelligent? No. Again, this robot is also programmed to follow a certain path. And in case if an object comes in front or something, it cannot decide what to do. It cannot make decisions. So it is not artificially intelligent. So yaar, artificially intelligent hai ki nahi hai, ye hum kaise samjhenge? 100 baat ki ek baat वो है, अगर किसी मशीन को ट्रेन करने के लिए हमको बहुत ज्यादा डेटा लगता है, उसके बाद एक बार वो ट्रेन हो जाए, अगर वो डिसीजन खुद से बना सकता है एंड फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है या अपने डिसीजन के बेस पे वो सीख सकता है कि मैंने डिसीजन जो लिया है वो सही है गलत है एंड अपने आप को उस बेसिस पे इम्प्रूव कर सकता है, देन सच मशीन्स विल बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, एल्स द मशीन इज नॉट एन AI. If you like the video you just watch, share it with your friends. And to watch the previous video, you can click here. Else, to check out the entire playlist, click over here. See you there.